पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रीजनल रिसर्च स्टेशन बलवाल सौंपती उत्ते आए ने। एक बहुत ही खुशनुमा मौका है जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पहला कॉलेज जो लुधियाने तो बाहर स्थापित किया जा रहा है वह अज इत्थे बलवाल सौंपती विखे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों नाल उहदा नींह पत्थर रखणगे। सर मैं आप जी नूं दसना चाहांगा कि यह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पहला कॉलेज है जिहड़ा उहदे कैंपस तो बाहर लगेगा। सर आप जी जानते ही हो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस मुल्क दे विच जिहड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन आया हरित क्रांति आई उहदे विच एक बहुत अहम भूमिका निभाई। 1962 दे विच जद इह यूनिवर्सिटी शुरू होई सी उस तों बाद इस यूनिवर्सिटी दे साइंसदानां ने हमेशा ही किसानां लई नवीं तों नवीं रिसर्च नवें तों नवें तकनीक दित्ते ने ताकि ना सिर्फ इस इलाके दे किसान खुशहाल होणगे पंजाब दे किसान खुशहाल होणगे बल्कि देश की फूड सिक्योरिटी नूं भी इन्होंने अपना योगदान पाया है। सर यूनिवर्सिटी ने इस इलाके दे विच जिहड़ा कि कंढी दा इलाका है पिछड़ा हुआ इलाका मन्निया जांदा है 1982 विच खेती खोज दीआं लोड़ां नूं ध्यान विच रखते हुए इत्थे खेतरी खेज केंद्र दा स्थापन कीता सी। सर इह जिहड़ा खोज केंद्र है रिसर्च स्टेशन है वह बेसिकली उन्हां फसलां ते रिसर्च करता है जिन्हां नूं घट पानी की लोड़ हुंदी है। सर यह जिहड़ा कंढी का इलाका है इहदे नाल इत्थे सॉयल की इरोजन की भी दिक्कत हैगी है वाटर की भी कंजरवेशन की लोड़ हैगी है इसलिए इस खोज केंद्र ने फसलों दी बरानी तो घट पानी लैण वाली किस्मों की खोज करन दे नाल नाल मीह दे पानी की संभाल होम फोर रोकण वण खेती और बागबानी में खोजा करके अनेक सिफारिशा दित्तियां हन। सर अज तक इस केंद्र ने 35 वैरायटियां जिहड़ियां ने डिफरेंट क्रॉप्स दीआं वह मेज़ दीआं होण वीट दीआं होण अंडर ऑयल रेनफेड कंडीशन ऑयल सीड्स पल्सिस फॉडर इन्हां लई योगदान पाया है। ये नाल नाल सर चार फ्रूट वैरायटी जिहड़ियां ने आंवला गुआवा पीच पीयर लैमन गलगल उहदे विच योगदान पाया है। हालांकि कदो बन के तैयार होगा पर इस नींह पत्थर आले दुआले दे लोकां नूं नेड़ले इलाका वासियां नूं किन्नी कु उम्मीद बची है कि हुण उहनां दी सिख्या जो है बच्चियां दी ओह होर जी मैं दसना चाहना कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े कि इस वेले बलाचौर जिहड़ी विधानसभा उहदा एक कस्बा है छोटा जिहा बलवाल सोखड़ी जिहड़ा कि पहलां तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे खोज केंद्र भी है उत्थे एक जिहड़ा कि एग्रीकल्चर कॉलेज दा अज नींह पत्थर मां जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी रखणगे और पहुंच चुके ने। यह कॉलेज जिहड़ा आ लगभग 49.7 करोड़ का जिहड़ा आ बणन नूं तैयार होवेगा जिहदा नींह पत्थर रखणगे उहदे विच जिहड़ा कि काफी सहूलत आने जिमें लड़कियों के लिए जे रूम बन होस्टल बनेगा 236 जे लड़कियों के होस्टल के रूम बन गए इस तरह बॉयज लिए भी जरा बनेगा और कंधी खेत्र के बड़ा उपराला है जितों के MLA दर्शन चौधरी दर्शन मंगूपुर जी की एक बड़ी देन कह सकते हैं कि इस हल्के और बहुत बड़ी जी प्राप्ति है जिला नवांशहर के लिए क्योंकि पहला ही कॉलेज जरा इस जिले खुलन जा रहा है। जी तो कदों तक नींह पत्थर रख दिया जाएगा अज के इस प्रोग्राम का की कुछ शेड्यूल है? जी बिल्कुल कैप्टन साहब पहुंच चुके हैं हाल स्पीच हो रही है जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब है वह तिवाड़ी साहब वो स्पीच कर रहे उस तो बाद स्पीच तो बाद जो कैप्टन साहब जो बिल्कुल स्टेज उत्ते जो सोन पत्थर रखा गया वह पर्दा हटाएंगे उस तो बाद जेड़ा नींह पत्थर जो रख के जो काम शुरू होएगा फिलहाल इनू टाइम लगेगा क्योंकि वे पद्धर जिले के वी वी देन है वनू शुरू किया जाएगा उस टाइमिंग जी हाले बहुत पता लगेगा किन्ने साल से कंप्लीट होगा। जी बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए अपडेट्स ले आवांगे तुहाडे कोल पर फिलहाल तक दी जानकारी के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सर कंडी इलाके में रसायनिक खादा और कीटनाशकों की वरतों भी घट हुंदी है सो इस इलाके में असी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सर मैं जिवें दस्सिया इत्थे नवीं फसलां सेब अदरक सुहांजना आदि दे भी खोज का काम चल रहा है। इस तों अलावा सर असी कंडी दे छोटे किसानों लई इंटैग्रेटिड फार्मिंग का भी एक मॉडल बनाया है। सर जिहड़ी इंपोर्टेंट चीज है सर आवारा पशुओं तो बचाव लई भी बदलवीं फसलां जिवें कि तिल पेठा तारामीरा अदरक आदि वधेरे आमदन लई वण आधारित खेती तकनीकां भी विकसित कीतियां जा रही हैं। सर कंडी खोज के प्रसार नूं होर प्रभावशाली बनाने लई
ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸੋਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਰ ਸਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਰ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਉਹ 60 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੋ ਬੈਚ 120 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਸੋ ਇਹ ਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਬੈਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਲਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਹਿੰਦ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਮਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਭੱਲਾ ਚੌਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਢੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਕੰਢੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਲੋਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ